हेलो एवरीवन, दिस इज रे एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. ओके, सो पिछला वीडियो मैंने बहुत लेट डाला था, आई थिंक 6 या 7 दिन बाद डाला था. और मैंने उस वीडियो में बात की थी कि मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है. आई डोंट नो, मे बी आई एम सो लेजी. मैं प्रोकेस्टिनेट करती जा रही थी कि मुझे नहीं बनाने का मन कर रहा है तो हम नहीं बनाते हैं. और ये बात मैंने पिछले वीडियो में की थी, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ सो दैट मैं अपनी वो प्रोकेस्टिनेटिंग साइकिल भी ब्रेक कर सकूँ और आपको दिखा सकूँ कि रात में मैं क्या क्या पढ़ती हूँ. तो हम आज रात का पूरा रिकॉर्ड करेंगे, शाम को 7 बजे से लेके पूरा रात में कैसे क्या क्या होता है और कितना देर पढ़ती हूँ, कितनी देर इफेक्टिवली पढ़ाई हो पाती है. बिकॉज यू नो, मैं हमेशा बात करती हूँ कि मैं 4 बजे तक जग रही थी, 5 बजे तक जग रही थी, 3 बजे तक जग रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही, ये वो. तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे मैं कितनी देर पढ़ती हूँ, क्या करती हूँ, किस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है. एंड या एंड हम PYQ जो डिस्कस करना है वो तो करेंगे ही. पिछले वीडियो में मैं PYQ का आंसर लास्ट में लगाना मतलब ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मैं बताई थी, लेकिन अगर आप लोग चाहते तो कर सकते थे, बट आई थिंक बहुत नहीं किया है लोगों ने. तो हम PYQ डिस्कस करेंगे एंड यस, लेट्स डू दैट एंड अच्छे से पढ़ते रहो. चलो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. ओके, तो चलो हम आज का PYQ देखते हैं. ये 2023 का PYQ है. कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन / बॉडीज इन इंडिया: द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, द नेशनल लॉ कमीशन, द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन. How many of the above are constitutional bodies? Only 1, only 3, only 2, only all 4. So what is the answer of this question? Tell me in the comment section. और जिसको नहीं आता वो लास्ट तक इंतजार करे, हम बाद में इसका आंसर भी करते हैं और इससे रिलेटेड कुछ बातें भी करेंगे. शाम को मैं छत पे वॉक करने गई थी तो माहौल कुछ ऐसा था, देखने में बहुत प्रिटी लग रहा था. तो वॉक करने के बाद मैं वापस अपने जब टेबल पे आई तो मैंने पॉलिटी रिवाइज कर रही हूँ, पहले भी बताया. तो हम आज पॉलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन की भी बात करेंगे एंड पॉलिटी में 11th की बुक भी इंपॉर्टेंट है, तो जो जिसके पास टाइम हो वो भी पढ़ लेना क्योंकि उसमें बहुत उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं. एक बार पढ़ लोगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लैरिटी हो जाएगी, रिविजन भी हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा. और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि पॉलिटी में कौन कौन से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बिकॉज यू नो जिस हिसाब से पिछले साल पॉलिटी का क्वेश्चन था उससे तो एक बात क्लियर पता चल गई है कि डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे और घुमा फिरा देंगे. इसकी वजह से हम फंस जाएंगे और हमें यू नो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और हाँ, हम ये बातें करते रहेंगे लेकिन अगर आप में से किसी को भी UPSC की कोचिंग करनी, PW ओनली IAS आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा UPSC प्रीलिम्स 2024 क्रैश कोर्स से. इसमें GS CSAT की क्लासेस के साथ साथ आपको मिलेगी करंट अफेयर्स की क्लासेस और उसके सारे मटेरियल, और प्रैक्टिस करने के लिए इसमें सेक्शनल उसके साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट भी रहे. ये इंग्लिश मीडियम में हो और इसकी प्राइसेस 5000 से स्टार्ट हो रही है. और अगर आपको केवल प्रैक्टिस ही करनी है तो आपके लिए PW ओनली IAS लेके आया है रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम 2024 इन इंग्लिश एंड हिंदी, जिसमें रोज सुबह आपको GS और CSAT के क्वेश्चन मिलेंगे और उसके बाद GS पेपर का डिस्कशन भी होगा, और डेली ऑल इंडिया रैंक से आप अपनी प्रिपरेशन का अंदाजा भी लगा सकते हैं. इसके साथ ही इसमें आपको करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे के भी टेस्ट दिए जाएंगे और इसकी फीस सिर्फ 3600 से स्टार्ट हो रही है. PW लेके आया है ऑल इंडिया ओपन प्रीलिम्स मॉक GS प्लस CSAT टेस्ट. ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में मिलेगा और इस मॉक टेस्ट की डेट से 31 मार्च, 14 अप्रैल, 5 मई एंड 2 जून. अगर आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना है तो आप इनके ऑफलाइन सेंटर्स में जाके दे सकते हैं जो कि करोल बाग, मुखर्जी नगर, लखनऊ और पटना में है. और अगर आप UPSC 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो PW ओनली IAS आपके लिए लेके आया है UPSC फाउंडेशन कोर्स 2025, जिसमें है प्रहार 2025 जो कि इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है एंड टाइटन 2025 जो कि इंग्लिश में अवेलेबल है, और आप इसकी प्राइजेस स्क्रीन पर देख सकते हैं. लेकिन अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए PW लेके आया है संकल्प 2026 फाउंडेशन बैच सिर्फ 11,999 रुपीज में. एंड फॉर ऑप्शनल प्रिपरेशन यू कैन ज्वाइन UPSC ऑप्शनल 2024-2025 बैच. इनमें से आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं इन 8,999 रुपीज में. आप कॉम्बो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं UPSC कॉम्बो बैच 2025 जो कि है प्रहार 2025 प्लस ऑप्शनल है और टाइटन 2025 प्लस ऑप्शनल जो 16,499 रुपीज में है, और संकल्प 2026 प्लस ऑप्शनल जो कि 18,999 रुपीज में. वहीं अगर आपको इस UPSC जर्नी में कोई और गाइडेंस की नीड फील हो रही है तो आप PW ओनली IAS का फ्री ऑफलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम भी ले सकते हैं जो कि करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और लखनऊ में है.
और इन सबसे अलग अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और 2-3 साल बाद आपको यूपीएससी देना है तो पीडब्ल्यू ओनली आया आपके फाउंडेशन ऑफ प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए लेके आया है यूपीएससी प्रारंभ बैच जो कि 3 साल का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपको एनसीईआरटी जीएस ऑप्शनल सीसैट प्लस टेस्ट A to Z आपको सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी और इसी के साथ साथ आपको अलग अलग स्किल्स भी सिखाई जाएगी जो आपको आगे बहुत हेल्प करेगी। और ये बैच अवेलेबल है 32,900। और कोई भी कोर्स परचेज करते हुए मेरा कूपन कोड जरूर यूज कर लेना, दैट इज Ray1K जो कि मैंने नीचे डाल रखा है, तो आपको 1000 का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड या और मैं इस टाइम कर रही हूँ प्रेसिडेंट वाला सेक्शन रिवाइज, मतलब मैं यूनियन पे पहुँच गई हूँ, उसके पहले का मैंने सारा क्लास के थ्रू रिविज़न किया है एंड PYQs भी सॉल्व किए हैं और PYQs मैं डिस्कस भी कर रही हूँ क्योंकि जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ रही होती हूँ उस वीडियो के दौरान उसके PYQs मैं डिस्कस कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास एक बुक PYQ की नई पड़ी है तो उसी से मैं डिस्कस करती हूँ। तो PYQs करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन PYQ करने का एक तरीका होता है कि आपको ऑप्शन के थ्रू PYQ करना है, लाइक क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन के बाद ऑप्शंस भी देखना है। अगर हो सके तो जो चीज़ें न्यूज़ में है, जैसे इस बार गवर्नर तो लगभग पिछले सालों से भी बहुत यूज़ में था, तो उसको भी देख लो और कहीं पे नोट डाउन कर लो। या वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द वीडियो। यू विल सब्सक्राइब, आई प्रोमिस यू दैट यू विल गेट द बेस्ट कॉन्टेंट एंड हम प्रिलिम्स से रिलेटेड भी बहुत अच्छे से बात करेंगे और मैं प्रिलिम्स की प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ वो भी देखने को। So make sure that you subscribe to the channel and like to the video. वैसे जो मेरा पिछला भी वीडियो देखे होंगे, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम टाइमर लगा के पढ़ती हूँ, बट कई बार ऐसा होता है कि याद भी नहीं रह जाता और मतलब उतना सीरियसनेस, मतलब होता है ना कि बीच बीच में वो जो सीरियसनेस होती है वो टूट जाती है, बट टाइमर लगा के पढ़ने से एक बात तो पता चलती है कि कितनी देर पढ़ रहे हो, बिकॉज यू नो जैसे कि मैं इस वीडियो में आप देखोगे 7 बजे से लेके मतलब इवनिंग के 7 बजे अपनी सीट पे बैठी हूँ और 4 बजे उठी हूँ, तो 7 बजे से 4 बजे तक अगर किसी को बताना होगा, लाइक घर वालों का कॉल आएगा या फिर किसी का कॉल आएगा तो बोलेंगे 4 बजे तक जग रही थी, मतलब 4 बजे तक पढ़ रही थी, 4 बजे तक पढ़ रहेगी, और लगेगा कि 7 से 4 लाइक इट्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, बट एक्चुअल में देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी कितनी देर तक रहती है, मतलब बीच में उठते हैं आप, कई बार ब्रेक लेते हैं, पानी पीने का ब्रेक और भी छोटे छोटे कामों का ब्रेक, बीच में खाना पीना ये सब करना, तो मतलब पता चलता है कि प्रोडक्टिविटी आपका बहुत कम था। मैं 7 बजे से जब से बैठी हूँ तब से मेरे बहुत कम लाइक 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का ही बीच बीच में ब्रेक लिया है, और अभी हो गए हैं टाइम और मैंने ऑर्डर किया था सैंडविच तो वो आ गई है, तो हम जो है सैंडविच खाएंगे और उसके बाद फिर अपना कंटिन्यू करेंगे। सैंडविच खाने के बाद मैं खाना भी खाऊंगी, मुझे भूख लगेगी क्योंकि रात में। दोस्तों आईपैड ऑफ हो गया है, चार्जिंग में लगा दिया है, अभी चार्ज हो रहा है। आज मैं ये बुक भी पढ़ना चाह रही हूँ रात में, ऐसे मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है इसको पढ़ने का, और अभी ये लैपटॉप ऑन हो गया है तो हम इसमें पासवर्ड डालते हैं। मैंने ये लाइट भी निकाल दिया है क्योंकि ये लाइट मेरी फेवरेट है, ये मैं एक बुढ़े अंकल से ली थी और ये लाइट मुझे बहुत अच्छी लगती है जब वो जलती रहती है, जिसको हम यहाँ लगा दे रहे हैं। आज ही मैंने ये वाला टाइमर भी डाउनलोड किया था, लाइक यू कैन सी देयर इज़ ओनली 1% चार्जिंग इन माई आईपैड। हो जाओ भाई, ओके मैं पासवर्ड डाल के मिलती हूँ। ये आईपैड मेरा ऑफ हो गया था बट टाइमर अभी भी जैसा का तैसे है, मुझे लग रहा है ये सेल्फ ऑफ हुआ था इस वजह से इसका टाइमर अभी भी ओके है, तो हम चलो इसको ऑन करते हैं और फिर पढ़ते हैं। तो इस वीडियो को बनाते दौरान मैंने जो है काफ़ी टाइम तक बातें की थी, बहुत सारी बातें की थी, लेकिन मैं उसको इस वीडियो में ऐड नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी 13 मिनट का हो गया है, अगर मैं उसको ऐड करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा होगा, बट यू नो क्योंकि बातें इसलिए की थी क्योंकि ये चैनल, इस चैनल पर 24K सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं वो क्लिप ऐड नहीं कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि मैं थैंक यू तो बोल ही सकती हूँ यहाँ पे। मेरा फ़ोन पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गया है और अभी टाइम हो रहे हैं 12:30 और मैं ब्रेक लेती हूँ, फ़ोन चार्जिंग में लगा देती हूँ और मेरे को खाना भी बनाना है, तो मैं खाना बना लेती हूँ, सब्जी और रोटी बनानी है तो वो मैं बना लेती हूँ, तब तक फ़ोन थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं आगे का पढ़ूँगी अपना। तो मैंने अपना फ़ोन लगाया था चार्जिंग में, आईपैड लेके किचन में काम कर रही थी, मैंने भिंडी की सब्जी बनाया और रोटी बनाया, और फिर क्योंकि मैं कुछ देखते देखते बना रही थी और बनाने के बाद जब खा लिया तब मुझे याद आया कि ओ आज रात का तो मैं शूट कर रही थी, मतलब वीडियो बना रही थी, तो मतलब होता है ना कि भूल गई मैं,
तो अभी मैं वापस से आ गई हूँ और मैंने अपना फेस वॉश भी किया है, क्योंकि पता नहीं मतलब मुझे नींद नहीं आ रही है, बट ऐम ही कर लिया क्योंकि बहुत यू नो गर्मी अभी बहुत ज़्यादा गर्मी अभी आ गई है। क्योंकि रात में भी मैं सुबह 6 बजे, जैसे 4 बजे सोती हूँ तब भी 6 बजे मुझे लगता है बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, तो मैं गर्मी की वजह से उठ जाती हूँ। और अभी इतना ज़्यादा पढ़ना है, मतलब पॉलिटी की क्लासेस में ख़त्म करनी है, उसके साथ साथ पीटी की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, पीटी की भी क्लासेस करनी है। पीटी की मैंने 3 क्लासेस एनवायरनमेंट की करी है, दो क्लासेस पॉलिटी की करी है, उसके अलावा अभी किसी भी सब्जेक्ट की क्लास नहीं करी है। और इतना ज़्यादा बर्डन है, मैं क्या बताऊँ, लाइक पॉलिटी पूरा ख़त्म करना है, इकॉनमी ख़त्म करना है, रिविज़न करना है, टेस्ट देना है। बट अच्छी बात यह है कि प्रीलिम्स यू नो थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है। आई नो कि मेंस अपने ही टाइम पे होगा, सब ने अभी तक वो जितने भी एनालिसिस वाले चीज़ें होंगी सब देख चुके होंगे, बट अभी टाइम फिर भी बहुत ओके। सो अभी 4 घंटे 3 मिनट 19 सेकेंड हुए हैं और मेरा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ लेजिस्लेचर। तो हम उसको अभी नहीं करेंगे क्योंकि अब मुझे आ रही है नींद और अब मैं जा रही हूँ सोने। और अब मैं उठूँगी 11 या 12 बजे जैसे मेरी आँख खुलेगी, अगर पहले खुल जाएगी तो पहले भी उठ जाऊँगी। तो मैंने ये सारे अब इसको ऑन करना पड़ेगा सो दैट आई कैन सो यू क्लियरली। मैंने सारा चीज़ पढ़ा, सो या दैट वॉज इट, यही मेरी प्रोडक्टिविटी थी। और मैं पढ़ रही थी तो मैंने सोचा 4 बजे तक ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अब मेरा मन नहीं कर रहा है क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा जगूंगी तो मुझे भूख लग जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय। ओके, नाउ द टाइम फॉर आंसर। आई होप आप लोगों ने आंसर गेस किया होगा, और जिन लोगों ने नहीं गेस किया उनके लिए मेरी तरफ से है ये इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन। तो मैंने इस अपने स्टिकी नोट्स में कुछ आप लोगों के लिए बनाया है। सो एंड एक्चुअली एक हाथ में मैं कैमरा पकड़ती हूँ और दूसरे हाथ से वीडियो बनाती हूँ, तो कैमरा थोड़ा हिलता रहता है। सो NCPC इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, NHRC इज अ स्टैचुटरी बॉडी 1993, NLC इज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, NCDRC इज अ स्टैचुटरी बॉडी सेट अप अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 विच इज रिप्लेस्ड बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। अब वॉट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड वॉट इज अ स्टैचुटरी बॉडी? Constitutional body is a body which is established by the Constitution of India. Statutory body is not a constitutional body. I mean, it is a non-constitutional body which is set up by Parliament for execution of some legislation and all. तो ये था वो analysis part और अब हम इसका answer देखते हैं। तो इसमें था how many of the above are constitutional bodies? तो पहला तो constitutional bodies है, दूसरा जो है वो नहीं है, तीसरा जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और ये भी जो है अब रिप्लेस कर दिया गया है, और ये भी एक बॉडी थी। तो इसका आंसर होगा ओनली वन। तो आई होप आपको ये आंसर सही लगा होगा और आपने को सीखा होगा। और इससे हमें पता चलता है कि हमें सारी बॉडीज़ को भी एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए बिफोर 2024। सो Thank you for watching. Thank you for being here.